साल 1967 पाकिस्तान ने अपनी राजधानी बदल दी। वो सरकार का सारा साजो सामान उठाकर इस्लामाबाद ले आए थे। नई राजधानी में एक नई मस्जिद भी बनाई गई, सरकार के नियंत्रण वाली। लाल दीवारों और लाल इंटीरियर वाली इस इमारत को लाल मस्जिद का नाम दिया गया। लाल मस्जिद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हेडक्वार्टर और पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के बेहद करीब थी, लोकेशन के साथ साथ रिश्तों के लिहाज से भी। 1979 में सोवियत अफगान वॉर शुरू हुआ। सोवियत संघ के हमले का जवाब देने के लिए मुजाहिदीनों की फौज जमा हुई। इन्हें अमेरिका और ब्रिटेन का सपोर्ट मिला। पश्चिमी देश ISI के जरिए मुजाहिदीनों को मदद देते थे। ISI हथियार बांटने के साथ साथ नए लड़ाकों को रिक्रूट करने और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम भी करती थी। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से भी लोग सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थे। लाल मस्जिद उनके लिए लॉन्च पैड का काम करती थी। ऐसे लोगों का माइंड वॉश करके अफगानिस्तान और कश्मीर में जिहाद के लिए भेजा जाता था। अफगान वॉर में सोवियत संघ हार गया। मुजाहिदीनों की जीत में लाल मस्जिद का भी बड़ा योगदान था। इस उपलब्धि के बदले उन्हें अप्रेजल मिलने वाला था। लाल मस्जिद के पहले इमाम थे मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला। जनरल जिया उल हक की सरकार में उन्हें संसद में जगह दी गई। लाल मस्जिद और ISI की करीबियां भी बढ़ती रहीं। कुल जमा बात ये कि धर्म और सरकार एकाकार हो चुके थे। फिर आया साल 2007। जुलाई का महीना था। राजधानी इस्लामाबाद का तापमान अचानक से बढ़ गया। वजह, लाल मस्जिद। पाक आर्मी की स्पेशल यूनिट टैंक और दूसरे अत्याधुनिक हथियारों के साथ मस्जिद के बाहर तैनात थी। वे बस एक आदेश का इंतजार कर रहे थे। हरी झंडी मिलते ही वे लाल मस्जिद पर टैंक के गोले दागने वाले थे। आगे क्या हुआ, कभी एक थाली में खाना खाने वाले दो पक्ष एक दूसरे की जान लेने पर क्यों उतारू थे, इस घटना का परिणाम क्या निकला और आज के दिन हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। लाल मस्जिद वाली घटना से पहले एक मुलाकात की बात सुनिए। पाकिस्तानी अखबार द डॉन में जाहिद हुसैन की एक रिपोर्ट है, द लेगेसी ऑफ लाल मस्जिद। इसमें वो एक कहानी बयां करते हैं। सितंबर 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। मुल्ला उमर इसका सुप्रीम लीडर बना। दो बरस बाद मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला उससे मिलने कंधार पहुंचे। इमाम साहब साथ में अपने छोटे बेटे को भी लेकर गए थे, अब्दुल राशिद। दोनों बाप बेटे कंधार में एक और खास शख्सियत से मिले। वो था अलकायदा का संस्थापक उसामा बिन लादेन। अब्दुल राशिद और लादेन एक घंटे तक साथ रहे। जब उनकी बातचीत खत्म हुई तब राशिद ने लादेन की झूठी गिलास उठाई और उसमें रखा पानी गट गट पी गया। लादेन ये देखकर चौंक गया। उसने ऐसा करने की वजह पूछी। राशिद ने कहा, मेरा सपना है कि अल्लाह मुझे भी आपके जैसा योद्धा बनाए। मुलाकात के बाद वे वापस लौटे। कुछ दिनों के बाद मौलाना अब्दुल्ला पर गोलीबारी हुई। इस हमले में उनकी मौत हो गई। तब उनके बड़े बेटे अब्दुल अजीज को लाल मस्जिद का नया इमाम बनाया गया। अभी तक उसका छोटा भाई अब्दुल राशिद मस्जिद से नहीं जुड़ा हुआ था। वो जुड़ा एक साल बाद। उसके बाद मस्जिद का चाल और चरित्र हमेशा के लिए बदल गया। इसके पीछे भी एक कहानी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। 1999 में दोनों भाइयों ने मिलकर लाल मस्जिद की कमान संभाल ली। नवंबर 2001 में अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर शुरू किया। उस समय जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में सरकार चला रहे थे। उन्होंने तालिबान की बजाय अमेरिका का दामन थाम लिया। लाल मस्जिद इसके खिलाफ थी। उन्हें लगा कि ये जिहाद की अवधारणा का अपमान है। दोनों भाइयों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिला लिया। वे राजधानी में बैठकर पाकिस्तान सरकार और अमेरिका के खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। लाल मस्जिद से जुड़े मदरसों में पढ़ने वाले नौजवान अमेरिका के खिलाफ लड़ने भी गए। साल 2004 में पाकिस्तान सेना ने वजीरिस्तान में ऑपरेशन शुरू किया। लाल मस्जिद के इमाम ने फतवा जारी कर लोगों से लड़ने के लिए कहा। फतवे में ये भी कहा गया कि लड़ाई में मरने वाले लोगों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। जैसे जैसे समय बीत रहा था लाल मस्जिद की कट्टरता बढ़ती जा रही थी। पहले तो सरकार इसे नज़रअंदाज करती रही। इसके दो कारण बताए जाते हैं। पहला, लाल मस्जिद की धमकी। धमकी कुछ यूं कि अगर सरकार ने कार्रवाई की तो सुसाइड बॉम्बिंग की जाएगी। दूसरा कारण था पुराने संबंध। शासन तंत्र लाल मस्जिद के साथ झगड़ा कर अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता था। लेकिन साल 2007 आते आते हालात काबू से बाहर हो गए। साल की शुरुआत में लाल मस्जिद की तरफ से एक चार्टर जारी हुआ।
इसमें मुशर्रफ सरकार के खिलाफ क्रांति की अपील की गई थी। साथ ही ये मांग भी रखी गई कि पाकिस्तान शरिया लॉ के हिसाब से चले। इमाम ने रेवोल्यूशनरी कमेटी की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा लाल मस्जिद मॉरल पुलिसिंग का अड्डा भी बन गई थी। मस्जिद से जुड़े लोग किसी के भी घर पर हमला कर देते, वे लोगों को शरिया कानून के हिसाब से न चलने के लिए सजा भी देने लगे। वे किसी को भी किडनैप कर अंदर ले आते, इनमें पुलिस वाले भी शामिल थे। मामला तब बिगड़ गया जब इन लोगों ने कुछ चीनी नागरिकों को बंधक बना लिया। इन्हें बाद में छोड़ दिया गया, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। तब मुशर्रफ ने आदेश दिया कि चीनी नागरिकों की रक्षा पाकिस्तानी रेंजर्स करेंगे। रेंजर्स ने लाल मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी। इसी दौरान मदरसे के कुछ स्टूडेंट्स के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक सैनिक समेत 21 लोग मारे गए। अब सेना को बुलाना जरूरी हो चुका था। 3 जुलाई 2007 को स्पेशल फोर्सेस को बुला लिया गया। स्पेशल फोर्स पूरे साजो सामान के साथ आई थी। सरकार ने अंतिम समय तक बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत फेल हो गई। 8 जुलाई को ऑपरेशन साइलेंस को हेड कर रहे लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम की हत्या कर दी गई। इसके बाद तो सब्र का बांध टूट गया। सेना को हमले का आदेश दे दिया गया। 10 जुलाई को सेना की कार्रवाई शुरू हुई। इस कार्रवाई में 100 से अधिक लोगों की मौत भी हुई। इसमें एक नाम अब्दुल राशिद का भी था। उसके बड़े भाई अब्दुल अजीज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वो बुर्का पहनकर भागने की फिराक में था। ऑपरेशन के बाद सेना का बयान आया कि अब्दुल राशिद को उसके ही साथियों ने गोली मार दी। असल में वो सरेंडर करना चाहता था। यहाँ पर एक विरोधाभास सामने आता है। एक पक्ष ये कहता है कि अब्दुल राशिद हमेशा से कट्टर था, जिहाद वाली मानसिकता उसमें कूट कूट कर भरी थी, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि वो एक समय तक यूनिवर्सिटी का आम स्टूडेंट था। सिनेमा और संगीत में इसकी दिलचस्पी थी। इंटरनेशनल रिलेशंस में उसने मास्टर्स किया था। डिग्री पूरी करने के बाद उसे एजुकेशन मिनिस्ट्री में नौकरी भी मिल गई थी। उसका सपना था कि वो फॉरेन डिप्लोमेट बने। पिता की मौत के बाद बड़े भाई ने उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया। बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी वजह से अब्बाजान की आत्मा कभी खुश नहीं रहेगी। ये ताना सुनकर अब्दुल राशिद डिप्रेशन में चला गया। जब वो उभरा तो उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली। वो अचानक से कट्टर हो गया। बड़ा भाई अपने पिता की हत्या की FIR दर्ज नहीं करा रहा था। तब अब्दुल राशिद ने सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया। कहा जाता है कि सरकारी अमले ने उल्टा उसे धमका दिया। उसे कहा गया कि चुप हो जाओ या तुम्हारा हाल भी तुम्हारे अब्बा जैसा ही होगा। इसके बाद ही उसका मन उचट गया और उसने अपने भाई के साथ मिलकर सरकार का हिंसक विरोध शुरू किया। सच जो भी हो, लेकिन लाल मस्जिद पर सैन्य आक्रमण ने मामला सुलटाने की बजाय बैकफायर कर दिया। अब्दुल राशिद को नायक की तरह पूजा जाने लगा। दुनिया भर के आतंकी संगठनों ने उसे आदर्श मान लिया था। लादेन ने एक ऑडियो टेप जारी किया। इसमें उसने राशिद को इस्लाम का हीरो बताया और पाकिस्तान सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया। अलकायदा का नंबर 2 अल जवाहरी अपने बॉस से कई कदम आगे निकल गया। उसने अपने ऑडियो टेप में कहा, मुशर्रफ और उसके शिकारी कुत्तों ने यहूदियों के लिए तुम्हारा मान खत्म कर दिया। अगर तुमने विद्रोह नहीं किया तो मुशर्रफ तुम लोगों को मिटा देगा। वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि पाकिस्तान से इस्लाम खत्म नहीं हो जाता। ये कबायली नेताओं को भड़काने के लिए काफी था। इसके बाद पाकिस्तान में हमलों की संख्या बढ़ती गई। अगले एक साल में पाकिस्तान के अंदर 88 बम धमाके हुए। इनमें लगभग 1200 लोगों की मौत हुई, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हुए। सेना हमला करती, सरकार कार्रवाई करती। अभी तक कबायली नेता अलग अलग होकर सरकार से लड़ रहे थे। उन्हें लगा कि ऐसे में मुकाबला करना मुश्किल है। 14 दिसंबर 2007 को वजीरिस्तान में 40 चरमपंथी नेता जमा हुए। उन्होंने पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ मिलकर जंग छेड़ने का ऐलान किया। इन सभी गुटों का समूह कहलाया तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान, यानी TTP। इसका फाउंडर था बैतुल्ला महसूद। TTP ने अब्दुल राशिद की मौत का बदला लेने की शपथ ली। लाल मस्जिद के इमामों के साथ इनके संबंध प्रगाढ़ बन रहे। अब्दुल राशिद ने लाल मस्जिद की कार्रवाई में मारे जाने से पहले मीडिया से बात की थी। इसमें उसने कहा था कि अगर मैं मारा गया तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाएगा। वही हुआ भी। TTP ने पाकिस्तान में हिंसा का जो खेल शुरू किया था वो आज तक कायम है। अब बताते हैं कि किन बड़े हमलों में TTP का नाम आया। दिसंबर 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या कर दी गई। उन्हें आत्मघाती हमले में उड़ा दिया गया था। TTP को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया, हालांकि इस दावे की कभी पुष्टि नहीं हो पाई।
मार्च 2009 में लाहौर में श्रीलंका की क्रिकेट टीम के बस पर हमला हुआ था, इसमें भी टीटीपी का हाथ था। अक्टूबर 2012 में टीटीपी ने मलाला यूसुफजई पर गोलीबारी की, हालांकि इसमें मलाला की जान बच गई। दिसंबर 2014 में टीटीपी के 6 आतंकियों ने पेशावर में एक आर्मी स्कूल पर हमला किया। इस हमले में 140 से अधिक लोग मारे गए थे, इनमें 132 नाबालिग स्कूली बच्चे। टीटीपी के हमलों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। इस लिस्ट में सैन्य मुख्यालय, ISI ऑफिस, नेवल बेस, आर्मी चेक पोस्ट, पुलिस स्टेशन, स्कूल, पोलियो वर्कर्स आदि शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार ने अगस्त 2008 में टीटीपी को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। सरकार ने उनके बैंक अकाउंट्स और संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन भी इसी लीक पर चले। साल 2009 में एक ड्रोन हमले में टीटीपी का संस्थापक बैतुल्ला महसूद भी मारा गया। बाद में ग्रुप के भीतर बंटवारा भी हुआ। एक समय ये लग रहा था कि टीटीपी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ऐसा था नहीं। साल 2020 में टीटीपी की वापसी हुई। उस साल उसने कुल 126 हमले किए। साल 2021 में इनकी संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। अब सवाल ये कि आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं। खबर है कि पाकिस्तान सरकार ने TLP के साथ संघर्ष विराम पर समझौता कर लिया है। ये संघर्ष विराम पूर्ण नहीं है, इसका दायरा एक महीने तक सीमित है। इस दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। अगर सब ठीक चला तो संघर्ष विराम का दायरा और बढ़ाया जाएगा। 8 नवंबर को पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरा समझौता संविधान के दायरे में रहकर हुआ है। पाकिस्तान और टीटीपी के बीच बातचीत की मध्यस्थता अफगान तालिबान ने की। उसकी तरफ से हक्कानी नेटवर्क के मुखिया और तालिबान सरकार में गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने हिस्सा लिया। सिराजुद्दीन UN द्वारा घोषित आतंकी है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान वाला तालिबान हक्कानी नेटवर्क के इशारे पर ही काम करता है। हक्कानी नेटवर्क अफगान तालिबान का अभिन्न हिस्सा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता अफगानिस्तान के खोश्त प्रांत में हुआ। दोनों पक्षों के बीच अक्टूबर 2021 से बातचीत चल रही थी। प्रधानमंत्री इमरान खान ने पिछले महीने टर्किश चैनल TRT को दिए एक इंटरव्यू में इसका हिंट भी दिया था, हालांकि उन्होंने खुलकर बात नहीं की थी। इसी को लेकर विपक्ष नाराज है। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने संसद को भरोसे में लिए बिना ही इतना बड़ा फैसला कर लिया। अभी तक समझौते की सभी शर्तें बाहर नहीं आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि टीटीपी ने 102 लोगों की लिस्ट सौंपी है। ये लोग उसके काडर हैं और पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। टीटीपी उन्हें रिहा करने के लिए कह रही है। तो क्या इस समझौते से टीटीपी का हृदय परिवर्तन हो जाएगा? क्या इससे हिंसा रुक जाएगी? ये कहना जल्दबाजी होगी। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच 6 और मौकों पर शांति समझौते हो चुके हैं, इनमें से एक भी सफल नहीं रहा। टीटीपी और पाकिस्तान सरकार के बीच बुनियादी अंतर है। टीटीपी चाहती है कि पाकिस्तान शरिया लॉ के हिसाब से चले, इसकी व्याख्या उसके उलेमा करेंगे, जबकि पाकिस्तान सरकार कहती है कि टीटीपी संविधान और कानून का पालन करे। टीटीपी इसी को खत्म करने के मकसद से काम कर रही है। जानकारों का सवाल है कि ऐसी स्थिति में दोनों पक्ष कैसे एकमत हो सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार का एक तर्क यह है कि पूरी बातचीत अफगान तालिबान की सरपरस्ती में हुई। टीटीपी भी अमीर उल मोमिनीन की सत्ता को मानती है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर टीटीपी अपने वादे से मुकरी तो अफगान तालिबान उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। जानकारों का मानना है कि अफगान तालिबान पहले से ही ISKP और घरेलू समस्या से परेशान चल रहा है। वो क्यों ही पाकिस्तान के घरेलू मामले में टांग अड़ाने आएगा? टीटीपी से पहले पाकिस्तान ने तहरीक ए लब्बैक यानी TLP पर अपना रुख नरम कर लिया था। TLP अपने लीडर साद रिजवी की रिहाई, पार्टी पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और फ्रेंच दूतावास को बंद करने जैसी मांगों को लेकर सड़क पर थी। TLP के प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत भी हुई। फिर सरकार ने कहा कि अब बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई है, अब वो TLP पर एक्शन लेगी। इस ऐलान के एक दिन बाद ही सरकार अपने कहे से पलट गई। उसने TLP पर लगा प्रतिबंध हटाने और गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं को छोड़ने का वादा किया। सरकार साद रिजवी को रिहा करने के लिए भी तैयार है, हालांकि उन्हें अभी छोड़ा नहीं गया है। TTP और TLP दोनों का मसला ताजा ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इमरान खान सरकार चरमपंथियों और आतंकवादियों के सामने घुटने टेक रहे हैं? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ।
आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।